एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कॉमन पेन होता है, यानी कि सामान्य दर्द हो जाता है किसी भी इंसान के शरीर में, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर है कि कितने प्रकार के दर्द होते हैं, उन सबको डिटेल में हमने अच्छे से जाना था, अच्छे से उनके बारे में बात करी थी, वो जाकर के आप चैनल पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सामान्य दवाएं कौन कौन सी हैं, कॉमन मेडिसिन कौन कौन सी हैं जो कि हम एक दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रग आती है हमारी फ्लरवेल। फ्लरवेल 100 नाम से ड्रग मार्केट के अंदर आता है। इसकी अगर ड्रग की बात करें कि इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, किन चीजों से यह बना हुआ है, तो इसके अंदर फ्लरबीप्रोफेन नाम का एक सॉल्ट होता है, यानी कि फ्लरबीप्रोफेन नाम की ड्रग होती है। यूज की बात करें कि इस्तेमाल किस लिए की जाती है, इसका उपयोग हम जो है बेसिकली ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स में करते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसकी अगर ऑर्थोपेडिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे उनकी हड्डियों से संबंधित कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। और जब किसी इंसान के स्वेलिंग या फिर पेन होता है, सूजन या फिर दर्द होता है कहीं भी जगह पर, पूरे शरीर पे कहीं भी, तब इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और हम बात करें इसकी डोज की, तो 100 mg इसकी डोज होती है ओडी, यानी कि वंस इन अ डे, यानी कि दिन में एक बार आप इसे दिन में एक बार दे सकते हैं 100 mg। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो आती है फ्लर। अब जो ये फ्लर है बेसिकली ये एक आई ड्रॉप है। इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी कि किस चीज से ये बना हुआ है, तो इसके अंदर भी फ्लरबीप्रोफेन होता है, फ्लरबीप्रोफेन नाम का सॉल्ट होता है। यूजेस की बात करें तो जब बेसिकली एक आंखों में एलर्जी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, आंखों में सूजन, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आंखों में जब पेन होता है, आंखों में दर्द होता है, तब इस फ्लर आई ड्रॉप का यूज किया जा सकता है। इसकी डोज की बात करें तो दिन में आप इसे दो बार डाल सकते हैं, बीडी यानी कि ट्वाइस इन अ डे, दिन में दो बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग आती है ब्रोफेन। ब्रोफेन भी एक ऐसा कॉमन ड्रग है जो दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर हम ड्रग की बात करें, यानी कि इसका कॉम्पोजिशन किस चीज से ये बना हुआ है, तो इसके अंदर आइबुप्रोफेन नाम का सॉल्ट होता है, किसके अंदर, ब्रोफेन के अंदर। अगर हम बात करें यूजेस की, तो जब हमारे शरीर में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तब इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर फीमेल्स में अगर ओवरी या यूट्रस पे स्वेलिंग हो जाती है, ओवरी और यूट्रस पे स्वेलिंग हो जाती है, तो तब इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डोज की बात की जाए तो 200 mg दिन में दो बार दी जा सकती है। और हालांकि इसकी ब्रोफेन की 600 mg की भी ड्रग आती है, लेकिन वो डिपेंड करती है डॉक्टर के ऊपर कि आपकी स्थिति क्या कहती है, कि मरीज की अवस्था क्या है, उसी के अनुसार डोज दी जाती है। वरना जो कॉमन डोज है, सामान्य जो इसकी डोज होती है, वो हमेशा 200 mg होती है दिन में दो बार, यानी कि एक गोली 200 mg की सुबह और एक गोली 200 mg की शाम में। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है नेप्रोसेन। नेप्रोसेन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है दर्द को ठीक करने के लिए। कैसे, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका जो कॉम्पोजिशन है, जिस चीज से बना हुआ है, वो है नेप्रोक्सेन। नेप्रोक्सेन होता है इसके अंदर एक सॉल्ट। अगर यूजेस की बात करें, जब हमारे शरीर में सूजन हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, तब यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हमारे शरीर में दर्द होता है, बॉडी में पेन हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेस की बात करें तो 500 mg दिन में दो बार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 500 mg बीडी यानी कि ट्वाइस इन अ डे। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है हमारी पायरोक्स डीटी। पायरोक्स डीटी एक डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है, इसको हम यूज करते हैं। अब इसके अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, तो इसके अंदर पायरोक्सिकैम नाम का एक सॉल्ट होता है, पायरोक्सिकैम। अगर यूजेस की बात करें, तो जब जोड़ों में सूजन हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, पायरोक्स डीटी का। डोज की बात करें तो 20 mg की इसकी टैबलेट्स आती हैं, तो 20 mg दिन में दो बार दी जा सकती हैं, यानी कि बीडी यानी कि ट्वाइस इन अ डे, दिन में 20 mg दो बार दे सकते हैं। आगे चलते हैं, अब आ जाती है जो नेक्स्ट ड्रग है, वो है हमारी कीटोरोल डीटी। कीटोरोल डीटी जो है बेसिकली ये हमारी दांतों में जब सूजन हो जाती है, दांतों में जब दर्द होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, कीटोरोल डीटी 10 mg टैबलेट का। अगर हम बात करें इसके कॉम्पोजिशन की, किस चीज से ये बना हुआ है, तो इसके अंदर कीटोरोलैक नाम का एक सॉल्ट होता है। डोज की बात करें तो 10 mg की इसकी डोज होती है दिन में दो बार। आप 10 mg दिन में दो बार इस ड्रग को दे सकते हैं। इसकी जो डोज है वो 10 mg दिन में दो बार होती है, किसकी, कीटोरोल डीटी की। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है काइमोरल फोर्ट। काइमोरल फोर्ट भी दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अगर हम बात कर ले इस काइमोरल फोर्ट की कि इसके अंदर सॉल्ट क्या होता है, तो इसके अंदर काइमोट्रिप्सिन नाम का एक सॉल्ट होता है, काइमोट्रिप्सिन नाम का इसके अंदर सॉल्ट पाया जाता है। यूजेस की बात करें तो जब हमारे शरीर में सूजन या फिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, उससे हमें राहत नहीं मिलती है, तो उसमें राहत दिलाती है ये दवा काइमोरल फोर्ट, उसमें असरदार है। अगर डोज की बात करें तो दिन में 2 बार आप इसकी डोज दे सकते हैं, काइमोरल फोर्ट टैबलेट की बीडी डोज होती है, यानी कि ट्वाइस इन अ डे। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है इटोबून। इटोबून किस लिए इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि इस इटोबून के अंदर सॉल्ट क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो इसके अंदर इटोडोलैन नाम का सॉल्ट पाया जाता है, ड्रग पाई जाती है। यूजेस की बात करें तो जब हमारे शरीर में सूजन आ जाती है या फिर दर्द हो जाता है, तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और डोज की बात करें तो दिन में 2 बार दे सकते हैं, बीडी यानी कि ट्वाइस इन अ डे। नेक्स्ट ड्रग आ जाती है वो है बीटा केयर। अब बीटा केयर जो है 0.5 एमजी में आती है। इसके ड्रग की बात करें यानी कि सॉल्ट की कॉम्पोजिशन की, तो इसके अंदर बीटा मेथासोन नाम का सॉल्ट होता है। यूजेस की बात करें तो शरीर में जब सूजन हो जाए, शरीर में जब दर्द हो जाए, तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में जब सूजन और दर्द हो जाता है तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करें कि इसकी डोज क्या होती है, तो 0.5 एमजी दिन में 2 बार दिया जाता है। 0.5 एमजी दिन में 2 बार इस ड्रग को दिया जाता है, किसको, बीटा केयर 0.5 एमजी ड्रग को। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना जो एक सामान्य हमारे शरीर में दर्द हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो कॉमन मेडिसिंस पेन में कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अक्सर ये मेडिसिंस हमारे घर पर भी पाई जाती हैं, तो इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उनके बारे में हमने बखूबी अच्छे से जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।